हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। एक्सेल में आज हम सीखने के वाले हैं, देखिए कॉनकैटिनेशन सीखेंगे। कॉनकैटिनेशन पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में दो तरीके से कॉनकैटिनेट कराएंगे। कैसे कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये तो बड़ा इजी है। यहाँ पर कॉनकैटिनेट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला मिल जाता है आपको। और अगर आप एडवांस वर्जन यूज करेंगे तो एक कॉनकैट भी मिलता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है। अब यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट वन, तो जितने भी टेक्स्ट है कॉमा, टेक्स्ट वन ले लिया हमने, कॉमा दे दिया, ठीक है, कॉमा दे देकर के हमें लिखते जाना है। फिर यहाँ टेक्स्ट टू ले लिया, अगर टेक्स्ट थ्री भी है तो कॉमा देकर के आप लिखते जाइए, एंटर प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर ये कॉनकैटिनेट हमें करके दे देगा। अब सपोज कीजिए कि इसके बीच में स्पेस क्रिएट कराना है, तो स्पेस क्रिएट कराने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डबल इंटेड कोट्स ओपन करना है, फिर यहाँ पर डबल इंटेड कोट्स क्लोज करना है, फिर यहाँ पर आपको एक कॉमा दे देना है, बस आपको एंटर प्रेस करना है। ये देखिए बीच में स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा, और जब इसको आप ड्रैग करवाएंगे तो आपको स्पेसेस भी नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इज इक्वल टू यहाँ पर ले लिया सूरज, और फिर जो सेकेंड नेम है वहां पे हम एंड लगा लेंगे, और फिर यहाँ पे तिवारी, इन दोनों को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए ये दोनों भी साथ साथ आ जाएंगे। और अब यहाँ पर डबल क्लिक अगर मैं कर देता हूं तो ये सब हमें मिल जाएगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अब इनके बीच में गैप क्रिएट कराना हो तो क्या करेंगे, इनके बीच में गैप क्रिएट कराना है तो हमें यहाँ पे एंड के बाद लगाना होगा डबल इंटेड कोट्स, ठीक है, ओपन करना होगा, फिर क्लोज करना होगा, और फिर यहाँ पर एक बार और लगा लेंगे एंड, और अब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें भी गैप आ जा रहा है इजिली। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।